ये डिपार्टमेंट है, इसमें वायरिंग होता है मोटर का, तो ये वायरिंग हो रही है इधर, तो भैया बताएंगे वायरिंग कैसे होती है। तो भैया दोस्तों आप देख सकते हो ये अच्छी तरह से इसकी वायरिंग है अंदर से, जो फूल वायरिंग चेन वायरिंग वायरिंग बोलते हैं इनको, तो ये कंपनी में ऐसी वायरिंग होती है और इस तरीके से होती है दोस्तों ये वायरिंग। तो दो वायरनर है इसमें फैक्ट्री में, दोनों वायरिंग कर देते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी में वायरिंग होती है, अच्छी क्वालिटी में वायर वगैरह यूज में ले जाता है और अच्छा इनका काम है, बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये है वायरिंग कंपनी की, और ये बंदे मेरे को भी ऐसी वायरिंग आती है फिलहाल, तो इनके भैया है ये भी वायरिंग है। कैसी वायरिंग है इसकी? अच्छी है, होने में बिल्कुल स्लो वगैरह अच्छी है, मस्त है। कितना टाइम लगता है इसकी वायरिंग करने में? 15 या 20 मिनट कितना लगेगा? 20 मिनट में ये 20-25 मिनट में मोटर कंप्लीट वायरिंग हो जाती है। और देखो ये कंप्लीट वायरिंग इधर हो गई है, इसका फिनिशिंग बन रहा है इधर से, और इसकी वायरिंग है वो हो रहा है अभी। इसमें 3 शेड डल गए हैं और 3 अभी बाकी है इसमें, आपको मैं दिखा देता हूँ। 3 शेड डल गए हैं और ये 24 स्लॉट मोटर है अपनी। और कितना एचपी की है मेरे साथ? 20 एचपी की लग रहा है, 20 एचपी की है ये मोटर कंप्लीट है। तो इसमें देखो आप ऐसे कोयले बनती है, और आपको पूरा मैं आगे दिखाऊंगा। ये इनका फर्मा है कोयल बनाने का, ये फर्मा है और यहाँ कोयल बनाने का काम है इनका, डिपार्टमेंट है कोयल का। स्टिक वगैरह अच्छी क्वालिटी के लेते हैं, पेपर वगैरह अच्छी क्वालिटी का इनके पास में मैंने देखा है, वायर भी अच्छी क्वालिटी का यूज़ में लेते हैं, पूरा सीसी रोड वायर लेते हैं ये, और क्वालिटी का है, और बहुत अच्छा लगा मैं इनका काम देख के। और देखो ये इधर इसका कनेक्शन हो रहा है, अपना स्टार डेल्टा कनेक्शन है जो अपनी 20 HP 15 HP मोटरों के हैं, तो स्टार डबल केबल में हो रहा है, स्टार डेल्टा कनेक्शन बोलते हैं ना इनको, तो ये स्टार डेल्टा कनेक्शन है। आप देख सकते हो कलर वाइज कलर कनेक्शन हो रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, इनकी फिनिशिंग देख सकते हो आप, बहुत अच्छे कनेक्शन हो रहे हैं कंपनी में। और ये कनेक्शन करने वाले मिस्त्री है, मैं आपको दिखा देता हूँ भैया आपका, एक सेकंड। ये इनके कनेक्शन कर रहा है, कैसा है कनेक्शन? इजी है, बिल्कुल बोल इजी कनेक्शन हो रहा है। और ये देखो अभी 3 मोटर के करीब करीब कनेक्शन हो चुके हैं इधर, अब टेप और कंपाउंड करना वो चल रहा है इनके, और फिर मोटर टेस्टिंग होगी आगे की तरह बताएंगे आपको। ये किट फिटिंग हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, देखो आप ये मिस्त्री लोग हैं, किट फिटिंग हो रहा है, तो इसका ये हाउसिंग है और बेयरिंग वगैरह बहुत अच्छी क्वालिटी का है, अल्का सबसे बेस्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो अच्छा क्वालिटी का बेयरिंग लेते हैं ये अल्का, मेरे हिसाब से सबसे अच्छी क्वालिटी है, मैं भी अल्का का ही यूज़ में लेता हूँ, हर कंपनियों में अल्का का ही आता है मेरे हिसाब से, तो बहुत अच्छी क्वालिटी यूज़ में लेते हैं। और ये देखो आप इसकी स्टिफिंग, और इसका ब्रांडेड भी है, मैं ब्रांडेड अच्छी तरह से दिखा देता हूँ आपको। और ये किट वगैरह है, फिटिंग होता है इधर से दोस्तों, इसकी जो अपना किट है उसकी ब्रांडेड होती है। किट पूरा ही होती है इसकी ब्रांडेड की, तो आप देख सकते हो कंप्लीट हो गया है। तो ये किट है अपना 20 HP है ना? हाँ, ये 20 HP का किट है, ये कंप्लीट फिटिंग हो गया है, मैंने बताया था किस तरीके से फिटिंग होता है। तो ये नीचे का अपना ऊपर का हाउसिंग है, ये स्ट्रिपिंग है, और ये ऊपर का है, और इसमें 3 बूट लगते हैं, और ये ऊपर का पेस्ट है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये ऊपर का है, और इसमें अपना ACS का कटोरी लगा हुआ है, मिट्टी नहीं जाए, बहुत अच्छी पैकिंग की हुई है, मिट्टी अच्छी तरह से इसमें कभी नहीं जाने की है, देख सकते हो इसमें ACS का रिंग लगा हुआ है इधर से, और इनका ब्रांडेड है ये, देख सकते हो आप, बहुत अच्छी क्वालिटी में है। और ये भी ऊपर के नट है वो लगा हुआ नहीं है, अब लगाने वाले हैं, तो ये इस तरीके से फिटिंग होता है। फिर कलर कैसे होता है वो बताऊंगा मैं आपको आगे। इसमें अभी मोटर रेडी हो गया है किटों का, और ये इधर कंप्लीट है, इधर ये किट वगैरह है, तो ये किट कंप्लीट हो गया है, और इस पर कलर मरेगा और पैकिंग होगी। रिंग की हुई मोटर है तो कंप्लीट है, अभी ये टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग के लिए देखो आप देख सकते हो इस तरीके से कनेक्शन हो गए, ये 1 केबल का सिंगल केबल का कनेक्शन है, और इसका स्टार डेल्टा में स्टार में कनेक्शन होगा, तो ये अभी तैयार कर रहे हैं इसका चेक करने के लिए, तो आगे आपको टेस्टिंग करके बताएंगे, और ये कितना MPA लेगी वो भी बताएंगा। तो ये अभी देखो टेस्टिंग हो रहा है, और RPM ही आपको बताएंगे, सबसे पहले इनके RPM चेक करते हैं। तो RPM के लिए मीटर लग गए हैं, तो आपको देख सकते हो उसमें लाल लाइट है वो अपना आ गया इधर, तो ये RPM मीटर है, इस तरीके से ये मीटर चेक होता है RPM, तो मोटर चलने वाली है और RPM आपको बताएंगे, तो RPM टेस्ट होने वाला है। तो
दोस्तों ये मोटर है वो चल गई है और अब आरपीएम में आपको दिखाऊंगा, अब आपको दिखाएंगे टेस्टिंग। तो ये अभी डिजिटल कंप्यूटर लगा हुआ है इनके पास में, तो 200 से टेस्टिंग शुरू, 200 से टेस्टिंग शुरू होता है और 400 से चल रहा है अभी। तो मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ पूरा, आप देख सकते हो पूरा डिस्प्ले पे, और इसका आरपीएम देख सकते हो, ये वोल्टेज देख सकते हो और सब कुछ इस पर डिस्प्ले पे लिखा हुआ है। आराम से मैं दिखा देता हूँ आपको, देख सकते हो पूरा डिस्प्ले में आ गया है। तो दोस्तों इस तरीके से अपनी 7.5 HP की मोटर है वो टेस्टिंग होती है। तो टेस्टिंग होने के बाद में मोटर यहाँ कंप्लीट होती है। तो ये कलर है वो इनसे लग रहा है मोटर पे, दिखा देता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों ये कलर डिपार्टमेंट नहीं, यहाँ से कलर होता है, आगे मोटर को बताएंगे कंप्लीट कैसे। पैकिंग वगैरह इस पैकिंग में इसमें हो जाती है कंप्लीट। कलर होने के बाद में यहाँ से शुरू होता है 5 HP से लेकर अपना 35 HP तक की किट वगैरह। तो मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा किट इधर से,